एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी। होश नहीं था, सिर्फ प्रेमी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक मुसलमान भाई अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला जिसे कहते हैं वो बिछा के नमाज पढ़ रहे थे। इसे होश ही नहीं रहा, इसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख दिया और पांव रख के आगे चली गई। मुसलमान भाई ने बोला, कौन बेवकूफ औरत है जिसे ये खबर ही नहीं है, मैं खुदा की तपस्या में लीन हूँ, इस बेवकूफ औरत को ये पता नहीं है कितनी बड़ी मिस्टेक करके जा रही है, वापस आने दो। जब वो वापस लौट रही थी तो लौटते टाइम उसने बोला, मूर्ख औरत इधर आ, तुझे होश नहीं है, मैं खुदा की फितरत में लीन हूँ, तुझे होश नहीं है, तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया और इस पवित्र वस्त्र को तूने अपवित्र कर दिया, तुझे होश नहीं है। वो औरत के आंसू आ गए, वो सहम गई, डरते डरते और कांपते होठों से उसने बोला, मुझे क्षमा कर दो भाई साहब, मुझसे महान पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं जिंदगी में आपसे क्षमा मांगती हूँ, अपने पाप के लिए प्रायश्चित करूंगी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया, तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया, कैसे पता चला।